आज कमांडर साहब के साथ में होने वाली है राइड। क्या हुआ? गजब बंटी भाई आ चुके हैं भयंकर। जय गोलू देवता। सुबह सुबह ना भाई यहाँ से ना चिते मंदिर के भी दर्शन हमारे हो जाते हैं। फुल ऑफ रोडिंग। अरे यार, अरे भाई साहब गिर जाएगी। ओ भाई साहब खींचो खींचो, रेस मत छोड़ो ना। Tuesday, August 15th, 2023. Independence Day ride with Commando Shab. So hello guys, welcome to my new vlog. तो कैसे हो आप सभी लोग? I hope आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और जो भी कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे। ओके तो भाई तुम्हारे निक्कू भैया हो चुके हैं फुल सेटअप वेटअप के साथ रेडी। तो निकलने से पहले लेते हैं उनका नाम, बोलो हर हर। भैया तो इनसे मिलके भी भाई अच्छा ही लगता है, हर टाइम हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। तो हाँ जी बॉयज चलो चलते हैं यार। तो भाई देखो बच्चों की रैली हो चुकी है कंप्लीट और देखो आ चुकी है गाड़ी जो उनको छोड़ने के लिए लगी थी और आज की राइड हमारी शुरू हो रही है भैया भाड़ीचिना से। और अभी हम लोग निकल रहे हैं भाड़ीचिना से, तो साथ में आ रहे हैं यहाँ से पवन भैया और अभी आगे से आने वाले हैं बंटी भाई। तो फुल पावर में चलेंगे भाई, फुल मजे मजे आ जाएंगे और आज की राइड हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो चलो भाई चलते हैं। तो ये देख रहे हो भाई सामने कौन जा रही है? अपने कमांडर साहब। आज कमांडर साहब के साथ में होने वाली है राइड भाई। और अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं आगे की तरफ। लो भाई अब खींचते हैं अपनी प्यारी को यहाँ पे सुबह सुबह, तो फुल पावर देखते हैं भाई साहब। अरे गजब गजब, सुबह सुबह मजा आ गया भाई। तो यार एक मॉर्निंग में राइड करने का ना एक अलग ही मजा है भाई, अलग ही मजा। तो आज हम लोगों ने सोचा भाई आज है आपका 15 अगस्त, तो हमने सोचा भाई एक छोटी सी राइड के लिए हम लोग निकल ही जाएं। और अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं भैया अल्मोड़ा वाले रोड पे और अभी पवन जी रुक चुके हैं पीछे और हमको भी जाना पड़ेगा यहाँ से बैक। अब पता नहीं वो अपनी हवा चेक करवा रहे, पता नहीं क्या करवा रहे। क्या हुआ? अच्छा बढ़िया बढ़िया करो, पता था मेरे को। तो भाई पवन भैया करवा रहे हैं यहाँ से अपनी गाड़ी की हवा चेक, क्योंकि भाई उसमें कम है शायद पीछे वाले में। तो देखो भाई बंटी भाई आ चुके हैं भयंकर, ये किसी को अपने साथ लेके आए हैं। चलें? ओके तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से। तो बंटी भाई की गाड़ी का नंबर भी आ गया भाई देखो 2843। तो फुल पावर में अभी आप तीन राइडर्स यहाँ से निकल चुके हैं, तो देखते हैं भाई आज की राइड में क्या कुछ होता है और आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और अभी हम निकल रहे हैं भैया अल्मोड़ा की तरफ। भाई मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहूंगा, हमारे ग्रुप के रवि भाई नमित भाई लोग भी आने वाले थे तो उनका आना ना कैंसिल हो गया, क्योंकि नमित भाई गए हुए हैं अपने पुराने वाले स्कूल में। तो रवि भाई जो है ना सोए ही हैं अभी तक, आज तो उनको छुट्टी मिली है, तो और दिन तो डेली उनकी ड्यूटी रहती है। ये देखो दो राइडर्स अपने आगे से जा रहे हैं और तुम्हारे रिक्को भैया जा रहे पीछे से, तक ही मजा आ जाता है ऐसे साथ में चलने में ना। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पवन जी को ना जरा दिक्कत आ रही है क्योंकि ये हैं आपके नए नए ड्राइवर। गियर डाउन कर लो। क्यों बंद हो रही है ऐसे? ऐसे नहीं लग रहा भाई जैसे फर्स्ट गियर में हो। तो वो तो कह रहे हैं कि फर्स्ट गियर में है लेकिन फर्स्ट गियर में नहीं है भाई, ऐसे नहीं लग रहा। ओह माय गॉड, यहाँ देखो गाइस यहाँ पेड़ गिर गया है रोड में। लो जी तुम्हारे निक्कू भैया इसी के साथ पहुंच चुके हैं चिते मंदिर। बोलो जय गोलू देवता, कृपा बनाए रखना हम पे भी और हमारे चाहने वालों पे भी और जो हमारे देखने वाले हैं उन पे भी, सभी पे गोलू देवता जी कृपा बनाए रखना हमेशा। सुबह सुबह ना भाई यहाँ से ना चिते मंदिर के भी दर्शन हमारे हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते में अपना चिते मंदिर पड़ता है तो काफी सही लगता है भाई। यहाँ से एक सुकून सा मिल जाता है कि यार गोलू जी के दर्शन हो गए सुबह सुबह कहीं जाने से पहले ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है भाई।
धीरे धीरे हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो देखते हैं आज की राइड हमारी कहाँ तक होती है और कैसे होती है क्या होती है वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा फिर। तो फिलहाल देखो भैया आपका टाइम हो चुका है 9:22। तो भाई आज तो पुलिस वाले घूम रहे हैं यहाँ पे। ओके तो भैया हम पहुंच चुके हैं भैया मिलन चौक में। अभी तो मार्केट में भाई सन्नाटा टाइप हो गया, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है भाई, रैली वैली भी नहीं निकल रही क्योंकि अभी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, सारे बच्चे स्कूल चले गए होंगे। इंटरसेप्टर आपका यहाँ पे खड़ा है। ओके तो भैया देखो आगे से जा रहे बंटी भाई, उनके पीछे हैं पवन भैया और उनके पीछे हैं तुम्हारे निक्कू भैया। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ये आपका आई लव अल्मोड़ा वाले बोर्ड के पास में। तो आई लव अल्मोड़ा वाला बोर्ड जो है ना यहाँ पे लगा हुआ है देखो भाई। तो शायद अभी हमारा प्लान बन रहा है डोली डाला जाने का। तो आज की राइड में तो भाई ऐसे ही हम तीन लोग ही निकले हुए हैं। आई होप ये वीडियो अभी तक आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, आगे भी बने रहिए वीडियो में तो भाई बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। ये लोग यहाँ पे रुक रहे हैं शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे दोस्त आ रहे थे ना, एक दो व्लॉगर ही है मतलब सब, वो कहाँ है? नहीं आ रहे अब वो अपने। तो भाई अभी हम खड़े हैं आपका SSJ कैंपस अल्मोड़ा के गेट पे। तो भाई अपने दीपू भाई भी आ चुके हैं। और भाई क्या हाल चाल आपके? चले फिर। तो पवन भैया की गाड़ी लेके आया था मैं दीपू भाई को लेने के लिए यहाँ तक, और अब चलते हैं हम। हमारा प्लान कुछ बन रहा है अभी, तो अभी वहां जाके बताएंगे भाई हमारा प्लान क्या बन रहा है, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं है, फिक्स नहीं है मतलब। भाई अभी आपको स्क्रीन कुछ अलग ही दिख रही होगी, तो ये है पवन भैया की रॉयल एनफील्ड, जो भाई इसको चलाने में मजा आता है ना। ओके तो भाई हमारा प्लान बना है भाई अभी डोली डाना जाने का। तो देखो भाई सारे राइडर्स अपने निकल रहे हैं यहाँ से, और बच्चों की भी भाई स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। तो गाइस देखो अपने राइडर्स आगे से जा रहे हैं। तो आज की राइड हमारी होने वाली है भैया डोली डाना तक, क्योंकि मैं आज से पहले ना उस मंदिर में कभी गया भी नहीं हूँ। हम लोग जा रहे टोटल यहाँ से चार लोग। तो भाई देखो अल्मोड़ा से RCM से आगे आके करबला से भाई ये जाती है धारनौला को रोड, और ये वाली रोड जो है ये जाती है आपका हल्द्वानी को। तो हम लोगों को जाना है भैया देखो इस वाली रोड में, कच्ची रोड में। तो इसी रोड में पड़ता है आपका डोली डाना मंदिर, ये यहाँ से होगी फुल ऑफ रोडिंग। तो भाई साहब देख रहे हो ये रोड कितनी खतरनाक है भाई, यहाँ से पूरी चढ़ाई है और पूरी कच्ची रोड है, और पवन भैया तो आ ही नहीं पा रहे शायद वहां से, देखते हैं। तो बड़ी आसानी से लेके आ चुके हैं, और रेस की जो रेस यार, अरे इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, खींचो खींचो। अरे भाई साहब गिर जाएगी, खींचो तेज खींचो, बंद हो गई तो फिर जाएगी गाड़ी पूरी, खींचो खींचो। ओ भाई साहब बड़ा टप्पड़ जाता है भाई, देख रहे हो फुल ऑफ रोडिंग है ऊपर तक भाई। रॉयल इनफील्ड में यही दिक्कत है भाई, अगर जो नया नया कोई चलाने वाला हो ना तो उसको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है भाई, बहुत ज्यादा। फोन में ये ने अभी गिरा दी थी गाड़ी, बच गई। एक बार हम लोगों ने ना भाई यहाँ से ना ऑफ रोडिंग करी थी, तो मैंने भी अपनी स्कूटी ना इन पत्थरों से ऊपर चढ़ा दी थी। खींचो खींचो, रेस मत छोड़ो ना, हमको तो पीछे ही रहना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी पीछे आएगी तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। कौन भैया अभी नए नए चलाने वाले हैं ना इसीलिए भाई, वरना दिक्कत नहीं होता। चलो कोई नहीं सीख जाएंगे, अभी तो उन्होंने एक साल भी नहीं हो रहा उनको चलाते हुए, कम से कम 6-7 महीने हो रहे होंगे। तो यहाँ पे रोड भी बन गई है, और यहाँ पे भाई प्यारा प्यारा सा नजारा देखने के लिए मिलेगा अभी। ओ कैसा रहा फिर ऑफ रोडिंग ट्रिप? अब यार बंटी भाई तुम कह रहे हुए भयंकर चलना होता है, अब बताओ रोड यहाँ तक आ गई है कि हमने कर दी अपनी प्यारी यहाँ पे पार्क, और तीनों भाइयों ने यहाँ पे लगा दिए गाड़ी मस्त से, और डोली डाना का मंदिर रहा भैया ऊपर।
यहाँ पे पत्थरों में माँ लिखा हुआ है बढ़िया तरीके से, और अभी मंदिर है भाई आपका ऊपर, तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। में रहने के बाद आज पहली बार दर्शन हो रहे भैया माता रानी के यहाँ के। तो भाई ये मंदिर पड़ता है आपका करबला से आगे जाके, तो करबला से ना अंदर को रोड कटी है, तो हम लोगों को आना होता है वहाँ से अंदर को, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था। तो भाई ये मंदिर है आपकी एक प्यारी सी लोकेशन में भाई, जहाँ पे ना सुकून ही सुकून है। देखो भाई ये है बजरंगबली, बोलो बोलो जय बजरंगबली। तो यहाँ पे बनाई हुई है महादेव की प्यारी सी मूर्ति, तो काफी अच्छी बना रखी है भैया, देखो हाथ वाले लग गए महादेव। और ये मंदिर है भैया पूरे घने जंगल के बीचों बीच, और काफी बढ़िया लग रहा है भाई यहाँ पे, देख कृपया शांति बनाए रखे याली नोटिस भी दी है यहाँ पे, और यहाँ पे भाई बहुत सारे फूल वगैरह भी हो रहे हैं, तो काफी बढ़िया मंदिर है भाई, काफी ज्यादा शांति है यहाँ पे भाई साहब। ये देखो भाई ये क्या दिख गया, बाघ दिख गया बाघ भाई आगे, और आगे से दिखाते हैं आगे से क्या कुछ है यहाँ पे। बाकी इस मंदिर के बारे में ना मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज है नहीं। ये चेक करो यहाँ है आपका ग्राउंड, देखो जहाँ पे ना बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेलने में लगे हैं, ये देखो। और चलते हैं आगे और यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को कि यहाँ क्या है भाई। और ये मंदिर के पीछे का एरिया है, तो काफी बढ़िया लग रहा है भाई, देखो यहाँ पे काफी लोग शांति लेने के लिए आए हुए होते हैं। फाइनली भैया आज तुम्हारे निक्कू भैया ने घूम लिया है डोली डाना का मंदिर, तो काफी अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे। पहले हमारा प्लान कुछ और था, लेकिन हमारे ग्रुप वालों के चक्कर में ना हमारा प्लान पूरा कैंसिल हो गया, वरना हमने बहुत सही से सोचा था कि आज हम मार्केट में रैली वैली निकालेंगे फुल ग्रुप के साथ में, सबकी गाड़ियों में झंडे रहेंगे, लेकिन भाई वो प्लान ना हमारा अनसक्सेसफुल हो गया भयंकर। या हम लोगों ने ना मंदिर के दर्शन कर लिए, हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी करी है यहाँ पे, मन की बातें। तो अभी हम लोग फाइनली भाई निकल, और भाई डोली डाना की ना बढ़ते जो अपनी टीम को लेकर चले। क्या कहना चाहते हो बंटी भाई? नहीं जैसे मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि यार आपका चैनल ग्रो करे, आप भी अपने सारे ख्वाब पूरे करो जो आपने सोच रखा है। बिल्कुल यार भैया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर यार, उस दिन रसगुल्ले ठूसूंगा। तो भाई देखो डोली डाना की ना एक खास चीज मुझे ये लगी भाई, पत्थरों में जो माँ लिखा है ना भाई बहुत प्यारा, बहुत प्यारा भाई, बिल्कुल यार भाई। देखो यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं और सबकी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है मस्त से, कितने सारे लोग आगे को गए हैं, और ये है ऊपर आपका मंदिर, और भैया इधर को भी बैठ सकते हो आप लोग, बहुत प्यारी प्यारी जगह है भाई यहाँ पे, तो काफी सही लगता है भाई यहाँ पे, एक पेड़ों को देख के दिल दीवाना हो जाता है देखो। तो हम लोगों ने बढ़िया तरीके से मंदिर के दर्शन कर लिए, और भाई डोली डाना आज काफी टाइम बाद आए, तो हम शुरू शुरू में ही आए थे यहाँ पे, जब हमने YouTube शुरू किया था, जब हमारा पूरा ग्रुप आया था एक टाइम पे, तो आज भाई अपना पूरा ग्रुप नहीं है यहाँ पे। तो यार इस वीडियो को ना ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे कोई। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना। तो मिलता है गाइस फुल पावर दूसरे वाले ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहो।